दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सम्राट सर मैथमेटिक्स पर। आज के इस वीडियो में नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के द्वारा बिहार बीएड कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट के ऑब्जेक्टिव का आंसर की जानेंगे। अगर आपने बिहार बीएड कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट 10 मार्च 2019 को दिया है तो इस वीडियो में आप लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग सब्जेक्ट से पूछे गए सभी ऑब्जेक्टिव का सही आंसर की जानेंगे। यहाँ पर हम आपको एक्सप्लेन के साथ समझाएंगे और आंसर में कोई त्रुटि रहने की संभावना नहीं है। तो चलिए ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। चलिए पहला ऑब्जेक्टिव, यहाँ पर आप देख ही रहे हैं कि एक परिवार में 6 सदस्यों एम एन ओ पी क्यू और आर है। आर की बहन ओ है, आर की माँ का बहनोई एन है, एम का पिता पी है और पी का पोता आर है। तो परिवार में 2 महिलाएं हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए कि स्पष्ट है कि आर की बहन ओ है, तो ओ क्या हो गया, महिला। अब यहाँ पर आर की माँ का बहनोई एन है, उसके बाद है एम का पिता पी है, पी का पोता आर है। तो देखिए क्यू का कोई जिक्र है ही नहीं, तो अर्थात क्यू क्या है, क्यू जो है आपको वह आर की माँ हो गया, और महिला माँ जब हो गया तो क्यू महिला हो गया, ओ भी क्या हो गया, महिला। तो आर की माँ कौन है, तो यहाँ पर आपको हो जाएगा क्यू। इनका सही ऑप्शन आपको होगा सी। यहाँ पर हम जो भी आंसर देंगे पूरा सोल्यूशन करके दिए हैं, इसलिए कोई त्रुटि रहने की संभावना नहीं है। अगर आपने सेट बी एड एग्जामिनेशन 10 मार्च 2019 को दिया है तो आप अपना आंसर की मिलान कर लीजिए। उसके बाद है कि परिवार में कितने पीढ़ी के सदस्य हैं, तो परिवार में जो है आपको 3 पीढ़ी के सदस्य हैं। अब 3 पीढ़ी के सदस्य कैसे हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कह रहा है कि आर की माँ का बहनोई, तो बहनोई किसी दूसरे परिवार से हो गया, एक पीढ़ी वह हो गया। अब देखिए आर की माँ स्वतः क्या हो गया, तो ये भी एक पीढ़ी का है। दूसरी बात हो गया कि आर जो हो गया ये एक पीढ़ी का है, तो इसमें टोटल आपको 3 पीढ़ी के सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन, परिवार में 2 महिला सदस्य हैं, तो देखिए परिवार में 2 महिला सदस्य, तो ओ और आपको क्यू हो गया 2 महिला सदस्य, क्योंकि ओ जो है वो आपको आर की क्या है, बहन है, और क्यू जो है आर की माँ है, तो इसलिए ओ और क्यू आपको महिला सदस्य हो गया। 33 का सही ऑप्शन आपको डी आंसर हो गया, ओ क्यू। अगला क्वेश्चन, एम और क्यू की पुत्री कौन है, तो एम और क्यू की पुत्री जो होगा आपको ओ है। अगला क्वेश्चन, लुप्त संख्या का पता लगाए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितने भी संख्या बाहर में दिए गए हैं सभी को वर्क करके जोड़े गए हैं, तो इसलिए अंत में जो ये संख्या है इनको वर्क करके जोड़ेंगे तो आपको आएगा 86। जैसे 6 का स्क्वायर कर दीजिए, 5 का स्क्वायर कर दीजिए, 4 का स्क्वायर कर दीजिए, 3 का स्क्वायर कर दीजिए और सबको जोड़ दीजिए, आपको 86 आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 07 26 63 215 है और व्हाट का चिन्ह है, तो यहाँ पर जो भी संख्या निकाली गई, जैसे 2 का क्यू कीजिए, 8 हो गया, 8 में से 1 गया 7, उसी प्रकार से व्हाट के स्थान पर आपको क्या आएगा, जैसे 2 3 4 5, 5 का क्यू करेंगे 1 घटाएंगे तो 5 का क्यू करेंगे तो 125 होगा, उसमें से 1 घटाएंगे 124 होगा। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने सॉल्व करके दे दिया है, वहाँ पर आप जोड़ेंगे तो 198 आएगा, तो 37 का सही ऑप्शन आपको क्या होगा, सी होगा, आंसर होगा 198। यहाँ पर सोल्यूशन के साथ दिया जा रहा है इसलिए कोई त्रुटि रहने की संभावना नहीं है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 का क्यू 1 हो गया, 2 का क्यू 8 हो गया, 3 का क्यू 27 हो गया, उसी प्रकार से 4 का क्यू 64 होगा, तो इनका सही ऑप्शन आपको क्या होगा, 64 होगा। देखिए सभी का क्वेश्चन सेम है, जैसे 1 8 27 हम पढ़े तो आप अपने क्वेश्चन में खोजिए कि 1 8 27 कहाँ पर है। लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग सब्जेक्ट में ही खोजना है, अन्य सब्जेक्ट में नहीं खोजना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2 9 23 51 107 और व्हाट का चिन्ह है, तो इनके स्थान पर क्या होगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें जो प्रत्येक संख्या हम जुड़ते जा रहा है उनके दुगुना, जैसे 7 का दुगुना क्या हो गया 14, जुटा 14 का दुगुना 28, इसी प्रकार से जोड़ते जाएंगे तो 219 आता है, तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा डी आंसर होगा 219। तो आप अपने क्वेश्चन में खोजिए कि 2 9 23 कहाँ पर है। अगला क्वेश्चन,
यहाँ पर देख रहे हैं कि फैमिली का कोड जो है आपको दिया हुआ है और सिस्टर का भी कोड दिया हुआ है, तो कह रहा है कि मिस्ट्रेस का कोड क्या होगा। तो देखिए एम एम के स्थान पर देखिए कि फैमिली में क्या चीज़ रखा हुआ है, तो एम के स्थान पर 6 रखा है। उसी प्रकार से देखिए आई के स्थान पर सिस्टर में SI क्या रखा है, 4 रखा हुआ है। इसी प्रकार से आप जब बैठाएंगे तो आपको ऑप्शन डी आएगा, आंसर होगा 64780277। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य ही कर ले, क्योंकि मैं BEd कर चुका हूँ, इसलिए अगर आप लोग BEd पास कर जाते हैं तो BEd फर्स्ट ईयर का सिलेबस और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और BEd फर्स्ट ईयर में ऑब्जर्वेशन और BEd सेकंड ईयर में लेसन प्लान होता है, तो इन सभी चीज़ों की जानकारी आपको इस चैनल पर मिलेगा। साथ ही आप लोग हमसे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, आप चाहे तो हमारे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं सम्राट सर से, वहाँ पर आप हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं और वहाँ से आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। तो इसलिए आप लोग BEd करना चाहते हैं तो इसमें आपको तमाम BEd में क्या सब होता है, क्योंकि हमने किया है सब चीज़ किया है, इसलिए हमें जानकारी है, तो आप लोग हमसे जानकारी ले सकते हैं, या आप जानते हैं तो अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख रहे हैं कि इफ़ बॉय इज कोडेड एज AAQQZZ देन कैट विल बी कोडेड एज। देखिए ए यहाँ पर बॉय है, तो बॉय से एक लेटर पहले, बॉय के का पहला लेटर क्या है, ए है, तो ए लिया है। उसी प्रकार से सी के पहले कौन लेटर आता है, तो आपको आता है बी, तो इसलिए बी होगा। अब यहाँ पर देखिए ओ है और वहाँ पर क्या है, क्यू है, तो ओ के बाद दूसरा लेटर क्या है, क्यू है, ओ के बाद दूसरा लेटर क्यू है, तो उसी प्रकार से ए के दूसरा, ए के बाद दूसरा लेटर क्या होगा, सी होगा, तो सी सी और यू यू होगा। इनका सही ऑप्शन आपको होगा सी, आंसर होगा BBCCUU। अगला क्वेश्चन, ए और बी क्रिकेट और टेनिस खेलते हैं, बी और ई हॉकी खेलते हैं, ए और सी वॉलीबॉल खेलते हैं, सी और डी हॉकी और टेनिस खेलते हैं, तथा सी और ई फुटबॉल खेलते हैं, तो कह रहा है कि कौन टेनिस नहीं खेलता है, तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा सी, आंसर होगा ई, ई जो है टेनिस नहीं खेलता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर सभी ऑप्शन को लिया है। अगला क्वेश्चन, कौन क्रिकेट टेनिस और वॉलीबॉल खेलता है, तो ये आपको होगा ए होगा, इनका सही ऑप्शन आपको डी, आंसर हो गया ए। अगला क्वेश्चन, कौन हॉकी क्रिकेट और टेनिस खेलता है, तो इनका सही ऑप्शन आपको बी होगा, आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन, कौन केवल हॉकी और टेनिस खेलता है, तो केवल हॉकी और टेनिस जो है आपको डी खेलता है। अगला क्वेश्चन, कौन वॉलीबॉल हॉकी टेनिस और फुटबॉल खेलता है, इनका सही ऑप्शन आपको होगा बी, आंसर होगा सी। यहाँ पर जो भी आंसर दिए गए हैं सॉल्व करने के पश्चात ही दिए गए हैं, कोई त्रुटि नहीं है, फिर भी कोई त्रुटि नज़र आए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगला क्वेश्चन, बी के पास कितनी गेंदें हैं, तो बी के पास टोटल आपको हो गया 3 गेंदें हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सब सबको हमने सॉल्व करके निकाल दिया है, तो बी का मान क्या आ गया है, 3 आ गया है, तो बी के पास 3 गेंदें हैं। अगला क्वेश्चन, सी के पास कितनी गेंदें हैं, तो सी के पास 8 गेंदें हैं। अगला क्वेश्चन, अब सबसे अधिक गेंदे किसके पास है, तो सबसे अधिक गेंदे जो है आपको डी के पास है, उनके पास 9 गेंदे हैं। अगला क्वेश्चन, फ्रेंड का संबंधवाचक फ्रेंडली है, तो इसके विपरीतार्थक का संबंधवाचक निम्नलिखित में से क्या होगा, तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा बी, आंसर होगा होसिल, क्योंकि इनिमी मत कीजिए, यहाँ पर संबंधवाचक पूछ रहा है, तो इसलिए इनिमी का संबंधवाचक आपको होसिल होगा। यहाँ पर हिंदी भी देख सकते हैं, होसिल का क्या होता है, शत्रुतापूर्ण। अगला क्वेश्चन, 16 सेंटीमीटर कपड़े की कीमत 60 रुपया है, तो 6 सेंटीमीटर की कीमत की गणना करें, तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा ए, आंसर होगा 22.5। यहाँ पर देख सकते हैं कि कैसे इनका आंसर आया है। अगला क्वेश्चन, 172 और 272 के 20% के बीच का अंतर है, तो वह होगा आपको 20। यहाँ पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से हमने सोल्यूशन किया है। अगला क्वेश्चन, एक आदमी प्रतिदिन 4 घंटे कार्य करके 15 दिनों में एक काम पूरा करता है, तो वह प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करते हुए कितने दिनों में काम पूरा करेगा, तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा ए, आंसर होगा 10 दिन।
यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 और 15 को गुणा करेंगे 60 होगा, 6 से भाग देंगे 10 आएगा, तो इसलिए इनका सही ऑप्शन आपको होगा, ये आंसर होगा 10 दिन। अगला क्वेश्चन, करण 2 मिनट में 90 मीटर चलता है तो 5 मिनट में कितने दूरी तय करेगा, तो वह होगा आपको 225 मीटर। 90 में 2 से भाग दीजिए, 5 से गुणा कर दीजिए, 45 × 5 = 225 हो गया। तो यहाँ पर आपको सभी रीजनिंग के ऑब्जेक्टिव का आंसर मिला। फुल एंड फाइनल आंसर की जो है रात के 9 बजे पब्लिशेट किया जाएगा, आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए क्योंकि उसमें सभी सब्जेक्ट का आंसर रहेगा। और यहाँ पर हम आपको पार्ट बाय पार्ट सब्जेक्ट के, जैसे 5ों सब्जेक्ट का आंसर हम पब्लिश करेंगे और रात में आएगा, उसमें जो कोई त्रुटि रहेगा उसमें एक भी गलती नहीं मिलेगा, वह फुल एंड फाइनल होगा, उसमें कोई त्रुटि नहीं होगा। रात में आप लोग 9 बजे ज़रूर मिला लीजिए ताकि आप लोग कन्फर्म हो जाएंगे कि आप लोगों का रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा। अगर यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा लें ताकि जैसे ही ऑब्जेक्टिव का वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।